सत श्रीकाल दोस्तों, सारे सत श्रीकाल। तो आज हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश के बारे में। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए जिसकी वजह से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। देन फर्स्ट वन इज़ सेट क्लियर गोल्स। देखो, कोई भी काम करना है आपने तो उसके लिए बहुत अच्छा आपका गोल होना ज़रूरी है कि आपको क्लियर हो व्हाई यू वांट टू डू दैट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स काफ़ी सारी है हमारी, यहाँ पे मैं कोट कर सकता हूँ कि अगर वो एग्जांपल्स मैं लूँ तो उसके हिसाब से तो ऐसे ही है कि आपको पहले अपना गोल सेट करना है कि आपने इंग्लिश सीखनी क्यों है। अगर आपका वो गोल, आपका वो पर्पज़ वो क्लियर है तो आप सीख पाओगे। तो आप पहले देखो कि आपने क्यों सीखनी है। ठीक है, आपने किसी वर्क के लिए सीखनी है, एकेडमिक पर्पज़ के लिए सीखनी है, या पर्सनल ग्रोथ के लिए सीखनी है, या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेगा। क्योंकि कोई आपका अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सीखना बड़ा मुश्किल है। तो सेट क्लियर गोल्स, ये फर्स्ट आपका प्रायोरिटी है, फर्स्ट पॉइंट यही है। देन सेकंड वन इज़ स्टार्ट विद द बेसिक्स। देखो, कोई भी अगर आपने चीज़ सीखनी है ना, उसके बेसिक्स सीखो। मान लो आपको टेंस नहीं आ रहे, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी लाइनें बोल दूँ इंग्लिश में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देन स्टार्ट विद द बेसिक्स, लर्न द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट लर्न अल्फ़ाबेट्स, देन बेसिक ग्रामर रूल्स एंड कॉमन वोकेबलरी। देर आर नूमरस रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन इन टेक्स्ट बुक्स टू हेल्प यू विद दिस। तो आपकी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी बुक्स है, काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक्स है, तो उसको आप हेल्प करने के लिए ये सारा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, देन सेकेंड वन इज स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो बेसिक्स जरूर पढ़ो इसके, ठीक है, अपने ईगो को साइड पे रख के बेसिक्स पढ़ो। देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बिल्ड योर वोकेबलरी। तो वोकेबलरी अपनी रेगुलरली बढ़ाते रहो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अपनों मोबाइल ऐप्स यूज़ करो, लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट पे जाओ, अपनी एक्सपेंड योर वोकेबलरी, यूज़ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, जिसमें आपको लिखे हुए वर्ड दिखेंगे कि हाँ ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। डिक्शनरी रखो पॉकेट में, और आप वोकेबलरी आप मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कहीं पे भी आपको लग रहा है कि हाँ ये वर्ड की इंग्लिश नहीं मुझे पता, तो तुरंत उसे ढूंढो और उसे निकालो बाहर। देन फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रैक्टिस लिसनिंग। तो लिसनिंग आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, टीवी शोज़, न्यूज़ चैनल, इंग्लिश पोस्ट का पॉडकास्ट देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश म्यूज़िक सुनना तो चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप सुनो, कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सारा कुछ पता चलेगा। देन स्पीक रेगुलरली, प्लीज़ डोंट अफ्रेड टू स्पीक, के बोलने से डरो मत। प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विद नेटिव स्पीकर्स और लैंग्वेज पार्टनर्स। नेटिव स्पीकर्स के साथ आप कैसे बोल पाओगे, क्योंकि हमारे इंडिया में तो चलो नेटिव स्पीकर हम इंग्लिश के है नहीं, बट काफ़ी सारी ऐप्स आती है कि थोड़े से पैसे आपको पे करके वहाँ के जो नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, वहाँ उनके साथ आपको बात करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो स्पीक रेगुलरली, डोंट अफ्रेड टू स्पीक। देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा रीड रेगुलरली, और रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग बुक्स, आर्टिकल्स, अदर मटीरियल्स, तो उसके साथ आपकी जो इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी। अगर आपको रीडिंग आ रही है, आपके दिमाग में वर्ड्स चल रहे हैं, सेंटेंस चल रहे हैं, वोकेबलरी बन रही है, तो देन यू कैन लर्न ईजीली टू राइट, टू लर्न और टू रीडिंग इंग्लिश। देन रीड रेगुलरली हो गया हमारा। देन सेवन्थ वन इज राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बड़ी ज़रूरी है, राइट रेगुलरली इन इंग्लिश, सच एज कीपिंग अ जर्नल, राइटिंग ई मेल्स और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन फॉर्म्स। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो इसके साथ आपकी जो ग्रामर है, जो राइटिंग स्किल है, वो इम्प्रूव होगी। आपकी हैंड राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स। तो लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स काफ़ी सारी है, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, आपको मैं अभी यहाँ पे भी बता नहीं सकता, तो नेट पे आप ढूंढ लो लैंग्वेज लर्निंग लैब्स ऐप्स, तो काफ़ी सारी आपको मिल जाएगी। उसमें एक्सरसाइज, प्रोग्रेस, ट्रैकिंग की कितनी आपकी प्रोग्रेस हो गई है, तो इंटरेक्टिव लेसन काफ़ी सारे हैं वहाँ पे। तो देन टेंथ जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ लैंग्वेज एक्सचेंज। लैंग्वेज एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बंदा आप ढूंढो जिसे अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी आती है, उसके साथ इंग्लिश बोलो,
ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस करो, तो देन दिस विल बी ईजी टू यूज, ईजी टू लर्न. देन इमर्स योरसेल्फ. इमर्स योरसेल्फ का मतलब क्या होता है कि अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाओ जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है. तो जो लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं उनके साथ आप बातचीत करो, जैसे कि स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं सारे के सारे, इंस्टीट्यूट्स में बोलते हैं, आपके घर पे अगर कोई बंदा है इंग्लिश बोलने वाला तो उसके साथ बात करो. देन ट्वेल्थ वन इज बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट. देखो कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में. अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही इंग्लिश का सीख लूँ सारी की सारी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. देखो हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो बंदे की प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे होती है, तो इसीलिए आपने पेशेंट रहना है. मतलब कि ऐसा नहीं है, असहनशीलता रखनी है. तो लैंग्वेज जो है वो टेक्स टाइम एंड एफर्ट, तो एफर्ट लेती है, टाइम लेती है, तो हो जाएगा सारा कुछ. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आज तक को ऐसा काम तो है नहीं दुनिया में जो हुआ नहीं है. तो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील. देन थर्ड वन इन 13th, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि अपनी गलतियों से सीखो. डोंट बी डिस्करेज्ड बाई मिस्टेक्स, कि डिस्करेज नहीं होना आपने, कोई आपको मिस्टेक कर रहे हैं आप कि हाँ भी गलती होगी, मैंने अभी तो बोलना नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, बेइज्जती नहीं माननी. जैसे कहावत है, जैसे अवध ओझा सर की मैंने ना एक वीडियो देखी थी, UPSC के टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि भिखारियों और स्टूडेंट्स की ना कोई रिस्पेक्ट नहीं होती. मतलब उनकी रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर वो सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने पूछना नहीं है टीचर से, या मैंने उसको कुछ बताना नहीं है, आंसर नहीं करना, मैंने एक्टिव नहीं रहना क्लास में, तो फिर वो कुछ सीख नहीं पाएंगे. तो अगर भिखारियों ने भी ऐसे कर दिया, उनका मन है कि भाई ठीक है मैं क्यों ऐसा करूं, है ना, तो वो भी नहीं कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में. तो इसीलिए क्या है कि आपने क्या करना है कि अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है, अपनी मिस्टेक से सीखना है, डिस्करेज नहीं होना, आगे बढ़ते रहना है. देन सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा 14th, यूज़ इंग्लिश इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में आपको इंग्लिश सीखनी है. अगर आप डेली लाइफ में इंग्लिश सीख रहे हो देन तो तब आप रूटीन में जब बोलोगे इसे तो तब आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. पहले 1 month में, फिर 2nd में उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, देन 3rd में, और देखते देखते 6-7 महीनों में आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे. तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस. कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं लेकिन हम उसको ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. इसका रीज़न क्या है कि हम इम्पोर्टेंस उसी ही चीज़ को देते हैं जिसको हमें, जिस चीज़ का हमें लगता है ये हमारे पास है नहीं. कहते हैं ना कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है. ऐसे नहीं करना, ठीक है. हर एक चीज़ को गोल्ड ही मान के चलना है कि जो अचीवमेंट आपने कर ली उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है. तो दोस्तों ये पॉइंट है हमारे 15 पॉइंट है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. तो ये आप अच्छी तरह से इसे पढ़ो, इसे फॉलो करो, देन यू कैन लर्न इंग्लिश. तो मैं देखो हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ना इंसानों को समझ नहीं आएगी इंग्लिश, ठीक है. देन फर्स्ट वन इज़, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेट योर गोल्स, क्लियर गोल, स्टार्ट विद बेसिक्स, बिल्ड योर वोकेबुलरी, प्रैक्टिस लिसनिंग, स्पीक रेगुलरली, रीड रेगुलरली, राइटिंग प्रैक्टिस, टेक इंग्लिश क्लासेस, यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स, लैंग्वेज एक्सचेंज करो उसके साथ जो भी बंदा है आपके पास, ठीक है, पार्टनर आपका कोई भी है बना लो अगर नहीं है तो. इमर्स योरसेल्फ, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यूज इंग्लिश इन डेली लाइफ, एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस. तो लास्ट पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ जर्नी एंड देर इज़ नो फिक्स्ड एंड पॉइंट. द की इज़ टू स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय द प्रोसेस. गुड लक ऑन योर इंग्लिश लर्निंग एडवेंचर. ये एक एडवेंचर ही है, इसकी जर्नी है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स के लिए हमारा जैसे हिंदी पंजाबी है हमारी लैंग्वेज, ठीक है, कन्नड़ है या कोई और लैंग्वेज है, तो उसके लिए थोड़ी इंग्लिश मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, देन आई विल बी देयर. तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.